दोस्तों नमस्कार। आज संडे है, मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। आज होम्योपैथी की एक विशेष दवा के विषय में आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, जिसे आप आधुनिक युग की दवा कह सकते हैं। आप देख रहे होंगे समाज में हर हाथ में स्मार्टफोन है, और गांव और शहर में जगह जगह बड़े बड़े विशालकाय फोन के टावर लगे हुए हैं, और हॉस्पिटल में आप जाते होंगे तो एक्सरे, कभी कभी एक्सरे कराना पड़ता होगा, सीटी स्कैन कराना पड़ता होगा। एक्सरे कराने आप जाते होंगे या सीटी स्कैन कराने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ वो लोग मतलब एक्सरे रूम में, सिटी स्कैन रूम में एक विशेष पोशाक पहनते हैं। उसका कारण है उसमें रेडियम किरणें, मतलब रेडिएशन होता है, उसके बचने के लिए। एक किरणें काफ़ी हानिकारक होती है शरीर के लिए, इनको चिकित्सा जगत में फायदेमंद भी है और बहुत खतरनाक शरीर पर इनका प्रभाव भी पड़ता है। कैंसर के रोगियों को आप देखते होंगे तो इन किरणों से रेडियोथेरेपी की जाती है। उसमें जो है बॉडी में कहीं कैंसर है और एक पार्टिकुलर एरिया में अगर है तो इन किरणों को कम पावर में वहाँ डॉक्टर जो है डालते हैं, जिससे वो कैंसर सेल की डेथ हो जाती है और जल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कैंसर सेल तो जलते ही हैं, उसके बाजू के सेल भी जो अच्छे होते हैं कभी कभी उनका भी नुकसान होता है। तो ये रेडियम किरणों का है। और अब बात करते हैं इसमें होम्योपैथी के में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। पहले ये जान लेते हैं कि रेडियम किरणें क्या हैं। सन 1898 ईस्वी में प्रोफेसर मैडम क्यूरी ने इसका आविष्कार किया, पेरिस में इसका आविष्कार किया था। ये रेडियम किरणों के आविष्कार के बाद चिकित्सा जगत में जैसे क्रांति आ गई, और मतलब क्षेत्रों में भी इसका बहुत ज़्यादा व्यापक प्रयोग होने लगा। चिकित्सा जगत में डायग्नोसिस के लिए और मतलब बीमारियों के लिए इसका प्रयोग मतलब किया जाने लगा। होम्योपैथिक में इसकी प्रूविंग डॉक्टर क्लार्क ने लंदन में किया था। उसमें डॉक्टर साहब ने 18 लाख शक्ति की ये रेडियम किरणें शुगर ऑफ मिल्क में डाल करके उसका बिचूर्ण शुगर ऑफ मिल्क में डाले, और ये चूर्ण को शुगर ऑफ मिल्क को शक्तिकृत करके उन्होंने दवा बनाई होम्योपैथिक में। उस दवा का नाम है रेडियम ब्रोमेटम। दोस्तों यह होम्योपैथिक में बहुत उपयोगी दवा है, खास करके चमड़ी के रोगों में और गठिया बात में। चमड़ी के रोगों में कुछ ऐसे चमड़ी के रोग हैं जिसे मतलब बहुत कठिन रोग आप मानते होंगे, उसमें हम लोग इसको देते हैं। जैसे कलवाइड है, मतलब कहीं पार्टिकुलर चमड़ी में मोटी हो जाना, उसमें थोड़ा दरार पड़ने लगे ऐसी स्थिति में, और नौजवान लड़कियों और लड़कों में गुलाबी कलर का मुहासा चेहरे पर हो रहा हो, उस समय भी इसका प्रयोग होता है। चमड़ी पर, माथे पर जो है छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं जिसमें जलन होता है। चमड़ी पर इसका प्रभाव विशेष रूप से है, ये दाने जो चमड़ी पर निकलते हैं कभी कभी, या चमड़ी पर जो रसन आते हैं उसमें बहुत तेज खजली होती है, ऐसा लगता है कि आग लगी हुई है, और एक चुभन टाइप का, स्टिचिंग टाइप का सेंसेशन होता है बॉडी के अंदर। दूसरी चीज़ यह है कि वो पूरे बॉडी में, रोगी के पूरे बॉडी में असहनीय दर्द होता है, और ऐसा लगता है कोई सुई चुभा रहा है।
रोगी बेचैन रहता है और अशांत रहता है, किसी के साथ रहना पसंद करता है, अकेले से और डार्क से मतलब अंधेरे से उसको बहुत डर लगती है। इसका मेंटल सिम्टम रेडियम ब्रोमाइड का है। और दूसरी चीज़, ये हड्डियों पर भी काम करता है, चमड़ी में इसमें और भी इसका रोल है, जैसे मतलब एपिथिल्मा मतलब एक प्रकार का मतलब एपिथिलियम लेयर में एक ट्यूमर डेवलप होता है चमड़ी के ऊपर, जो मतलब निपिल की तरह नोकीला होता है। और भी मतलब जो गांठें हैं, ट्यूमर्स हैं, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। जैसे फाइब्रोमा आप ले लीजिए, फाइब्रोमा जो है खास करके महिलाओं के यूट्रस में डेवलप होता है। एक मैलिग्नेंट भी होता है, नॉन मैलिग्नेंट तो नहीं होता फाइब्रोमा, और इसमें इसका प्रयोग रेडियम ब्रोमाइड का किया जाता है। दूसरे में जैसे सार्कोमा है, ये हड्डी और सॉफ्ट टिश्यू का ट्यूमर है, तो इसमें भी होम्योपैथ लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका खास करके चमड़ी और सॉफ्ट टिश्यू और बोन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक गठिया बाद की बात करते हैं, तो इसमें घुटने में भयंकर दर्द होती है, गर्दन के पीछे काफ़ी दर्द होता है, और चलने में थोड़ा इसको रस्ताज की तरह चलने में थोड़ा इसको आराम मिलता है। कमर के नीचे भाग की हड्डियों में जो बड़ी हड्डी होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और दूसरी चीज़ यह है कि कभी कभी चेहरे पर या माथे पर या स्किन में छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं, और इतना मतलब उसमें खुजली होती है, भयंकर खुजली होती है, ऐसा लगता है आग लगी हुई हो। नौजवान लड़कियों और लड़कों में गुलाबी कलर का पिंपल्स में भी ये इसका उपयोग होता है। तो इस तरह रेडियम ब्रोमाइड जो है, रेडियम ब्रोम नाम की यह दवा होम्योपैथिक में, यह दवा रेडियम ब्रोम नाम की स्किन के लिए और खासकर बोन और ट्यूमर के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले संडे को एक और वीडियो के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो के लिए, अपने फ्रेंड दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं फिर अगले संडे को। नमस्कार।